प्रकृति को उसके अनुरूप बनाने के लिए लगातार शासन प्रशासन की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह लक्ष्य 9 अगस्त को हासिल करने का प्रयास शासन के सभी आला हुक्मरान कर रहे हैं। इस पौधारोपण के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने इस बारे में बताते हुए कहा, नगरीय और ग्रामीण इलाकों में हमारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जैसा कि आपको विदित होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में करीब 22 करोड़ पौध को लगाया जाना है और उसके लिए 9 अगस्त एक तारीख तय हुई है। उसके गोरखपुर मंडल के जो 4 जनपद हैं उसको टोटल लेके करीब हमें 1,40,00,000 पौध लगानी है और ये लक्ष्य सभी विभागों में 4 जनपदों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसके कई स्टेज हैं। पहली स्टेज उसमें ये थी कि हमें विभागवार लक्ष्य को डिस्ट्रीब्यूट करना था और गड्ढे करने थे, वो प्राय काम कंप्लीट हो चुका है। दूसरा काम, जिन जिन विभागों ने अपने गड्ढे लक्ष्य के सापेक्ष कर लिए हैं उन गड्ढों के सापेक्ष उनको पौध वन विभाग दे रहा है। CCF और DFO इस काम में लगे हुए हैं और उसकी इंडेंट की प्रक्रिया अभी तक चल रही है और हमारी तरफ से निर्देशित ये किया गया है कि वो अतिशीघ्र शायद 2 या 3 अगस्त तक वो सारी पौध उनको इंडेंट के हिसाब से उठा लेनी है और ये प्रक्रिया चल रही है। कुछ विलंब कई जगह पर हुआ है लेकिन वो हम मॉनिटर कर रहे हैं और लक्ष्य ये है कि ये सारी पौध सही रूप में जो हमारे फॉरेस्ट विभाग वन विभाग के जो नर्सरी है वहाँ से निकटस्थ उनके जो विभाग जिंक्स किया गया है और ये सारी प्रक्रिया डिजिटाइज कंप्यूटरीकृत की गई है जिससे कि हम कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर सकें कि किस विभाग ने कितनी पौध उठानी थी कितना उठाया है। तो ये सारी प्रक्रिया मॉनिटर की जा रही है। बट आपके माध्यम से जो मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगा वो ये है कि सिर्फ 9 अगस्त को जो हम पौध लगा रहे हैं पौध लगा देना ही पर्याप्त नहीं होगा, इसका सर्वाइवल रेट हमें बहुत अच्छा करना है। और सर्वाइवल रेट का मतलब ये है कि प्रत्येक पौध को किसी न किसी को, जैसे हम अपने बच्चे को अपनाते हैं, अपना लेना चाहिए और उसका पोषण करना चाहिए, उसमें पानी डालना है, कोई उसको जानवर खा ना जाए। और आपके माध्यम से ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सिर्फ हम एक प्रक्रिया को 9 अगस्त को करके भूल ना जाएं, 9 अगस्त के बाद भी हमारा जो दायित्व है उसका निर्वाह करें और ये जो वृक्षारोपण है ये जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत ही दूरगामी पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा, ऐसे ही मेरे विश्वास।